नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज डार्जन रिएक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड पर अल्फा हेलो एस्टर का रिएक्शन बेसिक मीडियम में करा दें तो हमें थ्री मेंबर साइक्लिक रिंग या ईथर मिल जाता है, उसी को डार्जन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मैंने कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया एसिटल्डिहाइड, दिस इज CH3CHO एसिटल्डिहाइड, इसका रिएक्शन अल्फा हेलो एस्टर के साथ या अल्फा क्लोरो एस्टर के साथ करा दें, अल्फा हेलो एस्टर हो गए, बेसिक मीडियम में करा दिया C2H5O- के प्रेजेंस में। नाउ अब इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बना, दिस इज CH3CH, दिस इज CH, दिस इज O एंड दिस इज COOC2H5, ये प्रोडक्ट बन गया। अब ये प्रोडक्ट कैसे बना उसको डिस्कस करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अल्फा हेलो एस्टर का हाइड्रोजन एसिडिक होता है तो बेस पहले उसके अल्फा एच से रिएक्ट करके एनायन बना लेता है, दिस इज C2H5O- जो कि बेस है। अल्फा हेलो एस्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज CHCl COOC2H5, बेस ने इसके एच पर अटैक कर दिया, एच प्लस में निकल गया, ये बन गया CH-, दिस इज COOC2H5 एंड दिस इज Cl। अब ये जो माइनस है वो ओ के लो ओ पर लो रिजोनेंस से स्टेबलाइज है, साथ साथ Cl के डी ऑर्बिटल में भी रिजोनेंस से स्टेबलाइज है, साथ में हमें साइड प्रोडक्ट C2H5OH मिल गया। अब ये जो एनायन बना ये जाके कार्बोनिल से रिएक्ट कर लेता है। नाउ ये कार्बोनिल है, दिस इज CH3CHO, इसका रिएक्शन हमने करा दिया, दिस इज CH- Cl COOC2H5, हमने इस पे इसने अटैक कर दिया, ओ पे माइनस चार्ज आ गया, अब ये बन गया CH3CHO-, दिस इज CHCl, दिस इज COOC2H5, ऐसे बन गया OC2H5 को ऐसे लिख दें। अब ये माइनस इधर ऐसे शिफ्ट होगा तो Cl लीविंग ग्रुप की तरह निकल गया, और जब Cl निकल गया नाउ द प्रोडक्ट इज CH3CH, दिस इज CH एंड दिस इज COOC2H5, नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। इसी को हम लोग डार्जन रिएक्शन बोलते हैं। अब जैसे मैंने सपोज ऐसे ले लिया CH3COPH, इसका रिएक्शन अगेन दिस इज COOC2H5 Cl, बेसिक मीडियम में करा दिया, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज CH3CO, दिस इज एंड दिस इज COOC2H5, यहां pH आ जाएगा, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। सो दिस इज हाउ डार्जन रिएक्शन टेक प्लेस इन विच थ्री मेंबर साइक्लिक ईथर आर फॉर्म अलोंग विथ एस्टर।